कितने आदमी थे। जी हाँ दोस्तों, ये डायलॉग तो बड़ा फेमस हुआ था और आई एम श्योर कि शोले मूवी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों आज मैं आया हूँ एक ऐसी शॉप पे जहाँ पे मिलता है वेज और नॉन वेज आइटम दोनों ही, और जो इनका पूरा थीम है ना वो बेस्ड है शोले मूवी पे। जी हाँ दोस्तों, इनका जो मेन्यू आइटम है ना उसके जो आइटम्स के नाम है वो पूरे ही कैरेक्टर्स पे रखे हुए हैं जो शोले मूवी के अंदर थे। तो आइए चलते हैं अंदर, बात करते हैं भैया से, जानते हैं पूरा कॉन्सेप्ट और टेस्ट करके देखेंगे क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं और कैसा है इसका स्वाद। आइए। तो ये देखिए दोस्तों, क्या ज़बरदस्त इन्होंने ना अपना मेन्यू कार्ड बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े कलर्सफुल, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा। देखिए गब्बर लिखा हुआ है और वेज नॉन वेज दोनों ही मिलती हैं यहाँ पे। आपको मैं पीछे मेन्यू दिखाता हूँ, ये देखिए इनका जो मेन्यू है ना वो बड़ा लाजवाब है। जो आइटम्स के नाम है ना वो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए छोले भटूरे, जी दोस्तों छोले भटूरे नहीं, छोले भटूरे, बसंती पुड़ी, धन्नो स्टफ्ड पराठा, और इस तरीके से ना हर एक कैरेक्टर जो शोले में अवेलेबल थे ना दोस्तों कैरेक्टर्स, उनके बेस पे ही सारा नाम रखा हुआ है। जैसे कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रामगढ़ की थाली, देख रहे हो, जय वीरू की फुल प्लेट। तो बड़ा ही यूनिक सा कॉन्सेप्ट है और शोले पे बेस्ड है। शोले मूवी आई एम श्योर सबको पसंद होगी, काफ़ी लोगों ने उसको पसंद किया और काफ़ी सुपर हिट मूवी थी, तो उसी के ऊपर इन्होंने ये पूरा रेस्टोरेंट डिज़ाइन किया हुआ है। सो दोस्तों ये दोनों हैं वो ब्रदर सिस्टर्स जो इस शॉप को चलाते हैं जिसका नाम है गब्बर। तो सर आपका नाम बताइए सबसे पहले। मनोज बतावन। मनोज जी। और आपका मैम? रीता। रीता जी। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया गब्बर का? बेसिकली गब्बर जो है ना काफ़ी यूनिक सा नाम है, तो कैसे शुरुआत हुई? एक्चुअल में क्या है कि गब्बर का जो हम लोगों ने देखा था कि हमारी छोले फिल्म थी, छोले फिल्म को देख करके हमारे पास इंस्पायर हुए थे कि छोले गब्बर को भी हमने हाईलाइट करना है। ओके, एक्चुअल में गब्बर को हाईलाइट करना, तो मेरी सिस्टर है इसको खाने का बहुत शौक है, खाना बनाने का, तो इसके अभी हमारा कॉन्सेप्ट जो चल रहा था इस वजह से हमने सोचा कि थोड़ा सा इसको भी हम रिप्रेजेंट करें। काफ़ी यूनिक नाम सोचा है आपने, क्योंकि ना काफ़ी लोगों को छोले फिल्म ना और उसके कैरेक्टर्स काफ़ी पसंद है। तो ये कब शुरुआत करी थी आपने? ये हो गया अभी हमें एक महीना हो गया इसको शुरुआत करे हुए को, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है, लोग जो खा रहे हैं, आप जो भी खाने आएगा उनसे भी आप पूछ सकते हैं हमारे खाने का टेस्ट कैसा है। बिल्कुल सर, रिव्यू तो लेना बनता ही है ना लोगों से कि यहाँ पे जो खा रहे हैं वो कैसा है। तो ये मतलब बेसिकली आपके पास वेज नॉन वेज दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं? दोनों चीज़ें। तो आपका जो मैंने मेन्यू आइटम देखा ना, जैसे आपने छोले भटूरे रखा है, बसंती के ऊपर नाम रखा है, तो ये किसकी करामात थी, किसने सोचा था ये नाम? ये तो सर हम सब लोगों ने मिलकर ही सोचा था, सिस्टर ब्रदर ने, कि अगर जब हम गब्बर नाम रख रहे हैं तो छोले थीम से है, इंस्पायर है, तो क्यों नहीं छोले थीम के जितने भी करेक्टर हैं उनको ही लेकर के अब इस चीज़ को बनाया जाए। जैसे कि मान के चलिए छोले भटूरे तो छोले का थीम हो गया, छोले भटूरे हो गया, बसंती पूरी, हमें उसमें बसंती बहुत ज़्यादा फेमस थी, ठीक है ना, राधा भी थी, ठीक है ना, ठाकुर भी था, ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने इस चीज़ का, अब जैसे असरानी का था रोल जेलर का, जेलर चिकन करी के नाम से कर दिया, ठीक है ना, तो ऐसे ही मौसी थी, उसका भी एक करेक्टर था जब धर्मेंद्र जी के साथ था जो, तो उसका एक मौसी का ले लिया हमने कि मौसी की थाली हो गई जी। ठाकुर का करेक्टर था, ठाकुर चिकन करी के और मटन करी के नाम से कर दिया हम लोगों ने। क्या बात है। तो ये सारी जो सी थीम शोले थीम से ही हमने उठाई हुई है और शोले को ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। अच्छा, तो ये चीज़ें जो बनती हैं यहाँ पे मैम बनाते हैं? हाँ जी, मैम अपने हाथों से बनाते हो? बिल्कुल। तो बिल्कुल स्वाद होने वाला है? बिल्कुल जी। और आप जैसे बता रहे थे कि यहाँ पे जो चीज़ें बनती है वो होममेड स्टाइल, मतलब होम स्टाइल में? बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारा घर के ही मसाले होते हैं सारे, और पूरा आरओ वाटर से सब कुछ अच्छे से प्रॉपर तरीके से किया जाता है, लाइव किचन है, जब कहे चपाती बन जाती है, जब कहे परौंठी बन जाती है, लच्छा पराठा बन जाता है, और सब कुछ देसी घी में हो रहा है। हाँ। और ये दोनों चीजें सेपरेट बनाते हैं, वेज और नॉन वेज? वेज और नॉन वेज सेपरेट है, नॉन वेज का अलग सेशन है और वेज का ये सामने है। ओके। तो ये लंच और डिनर दोनों में, और ब्रेकफास्ट भी है, तीनों टाइम आप? तीनों। चलिए तो दोस्तों चलिए टेस्ट करेंगे, सबसे पहले आपको दिखाता हूँ क्या क्या आइटम्स बनी हुई हैं और उसके बाद टेस्ट करके भी देखेंगे इसका कैसा है स्वाद। तो मैम आज क्या क्या वेज में क्या बना हुआ है? आज बना है कढ़ी चावल, राजमा चावल और वाइट चने। हाँ, और सूखी सब्जी में है गोभी आलू की सब्जी। ओके। और आलू कढ़ी। आलू कढ़ी एक बार देखते हैं मैम क्या क्या बनाया आपने। ये क्या है? ये है वाइट छोले, वाइट चने। ये देखिए दोस्तों क्या बढ़िया तरीके से ना कंसिस्टेंसी चेक करो, गाढ़ी हमारे छोले हैं और बहुत बढ़िया छोलों का कलर भी बहुत बढ़िया है। वाओ। नेक्स्ट मैम? नेक्स्ट है राजमा। यस। क्या बात। ये देखिए दोस्तों राजमा चेक करो, बहुत ज़बरदस्त,
और जो वेजिटेरियंस होते हैं उनको छोले और राजमा तो चाहिए ही होते हैं है ना हर जगह। तो नेक्स्ट है हमारे पास कड़ी। कड़ी क्या बात है, बिल्कुल तड़के वाली कड़ी लग रही है मैम, तड़का ऊपर तक ही दिख रहा है ना। और खुशबू जो है वो भी काफी बढ़िया है। पकौड़े भी इसके, कड़ी यहाँ पर लोगों को बहुत पसंद है। तो ये आलू और प्याज वाली है पकौड़े जो है? नहीं, सिर्फ प्याज वाली, प्याज वाली, प्याज के पकौड़े हैं जी। राइस हमारा बासमती रहता है। ओके, हाँ जी। तो ये जीरा राइस है? जीरा राइस, जीरा राइस। राइट, ये है आलू ग्रेवी। ओके, आलू की सब्जी। हाँ, ये आलू की। ओके, जो हम बसंती पूड़ी में यूज़ करते हैं। बसंती पूड़ी में यूज़ करते हैं। ओके, और ये हम थाली में यूज़ करते हैं। डे बाय डे अलग अलग वेजिटेबल्स होती हैं। ओके, आज हमारे पास गोभी आलू की सब्जी हमने बनाई है। वाओ, इसका कलर भी मैं देख रहा हूँ दोस्तों, बड़ा ही ज़बरदस्त है। क्या बात है भाई, देख के जो खाने को भूख लगे ना उसका कहने ही अलग हो जाते हैं। और अभी मेरे को नहीं, ये देख के सच में मन कर रहा है मैं आलू की गोभी की सब्ज़ी खा लूँ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे प्याज, हमारे पास प्याज है, ग्रीन चटनी, ग्रीन चटनी है, किस चीज़ की? धनिया पुदीना की। धनिया पुदीना, ओके। और मिर्च है, तड़के वाली मिर्च। ओके, तो ये साथ में आप हर हर मील के साथ हम देते हैं। नॉनवेज दिखाइए हमें, क्या क्या बना हुआ है यहाँ आपके पास? ये हमारे पास है चिकन करी। चिकन करी जी। ओके, ये चिकन करी है। वाओ, क्या बात है। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ मैम, जो ग्रेवी है वो काफ़ी मतलब एक होते हैं ना पतली, जैसे गाढ़ी ग्रेवी नहीं है। हाँ, तो ये होम स्टाइल, होम स्टाइल है। ओके ओके, तो आप दोनों वेज नॉन वेज सेक्शंस अलग रखते हैं? बिल्कुल अलग रखते हैं, ताकि किसी कस्टमर को ये ना हो कि ये है मटन कालिया। मटन कालिया, यस। क्या बात है, इसका रंग भी जो है ना थोड़ा सा डार्क कलर है काफी। जी जी। ओके, तो ये लच्छा पराठा के साथ बहुत टेस्टी लगता है। ओके ठीक है, और ये तीसरी आइटम? और ये है मटन करी। मटन करी जी। हाँ, इन दोनों में फर्क तो है, कलर में तो बिल्कुल फर्क है, बिल्कुल है ना, टेस्ट में भी बहुत फर्क है, टेस्ट में भी फर्क है जी। क्या बात है दोस्तों, ये हो गई हमारी मटन करी। आइए दोस्तों आपको एड्रेस समझाता हूँ। आज हम आए हैं एप्पल हाइट्स में, जो कि VIP रोड जीरकपुर में पड़ता है, और मेरे ठीक राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे यहाँ पे एक सोसाइटी है मोना ग्रीन्स, और ठीक इसके अपोजिट एप्पल हाइट्स की पूरी बिल्डिंग है। उसमें फर्स्ट जो शोरूम है ना वो डोमिनोज का है, और इसे ठीक अंदर की तरफ आएंगे तो फर्स्ट जो कियोस्क मिलेगा ना आपको वो गब्बर का मिलेगा। सर आपका नाम? राजेश। राजेश जी, तो राजेश जी क्या मंगवाया है आपने आज? मैंने कुछ डिफरेंट मंगवाया है, कुछ पहले तो मैं वेज ही ले रहा हूँ जितना भी था। ओके, आज चिकन का किया है। चिकन करी वगैरह, तो आप रेगुलर आते रहते हैं यहाँ पे? किस तरीके का लगता है सर खाना आपको यहाँ पे? बढ़िया है, करके जैसा बिल्कुल एकदम। ओके, तो मतलब घर का स्वाद यहाँ पे मिलता है पूरा? बिल्कुल मिलता है। जैसे ये बोलते हैं कि जो भी चीज़ें हम बनाते हैं वो होममेड स्टाइल होता है? हाँ बिल्कुल होममेड स्टाइल। ओके ओके, तो आप रेगुलर आते रहते हैं? मेरे को जब से पता लगा है ऑलमोस्ट वीक से ऊपर हो गए, तब से तो मैं यही कह रहा हूँ। ओके ओके, तो दोस्तों एक और कस्टमर यहाँ पे मिले हैं। मैम आपका नाम? सर सिमरन। ओके, तो आप भी रेगुलर आते हैं यहाँ पे? सर डेली रेगुलर। डेली, क्या बात है, मतलब यहाँ का खाना पसंद है आपको? बहुत पसंद है सर। ओके, तो आज क्या लेने आए हैं आप? आज सब कुछ सर। सब कुछ लेने? ओके, क्या बात है, मतलब खाना इतना पसंद है कि हर चीज़ में से ना हर किसी में से टेस्ट करता है। हमारी एक्चुअली शॉप है PTC, तो वहाँ हमारा डेली इनका लंच जाता है, 8 जनों का खाना जाता है, पर खाना इनका बहुत टेस्टी है। बहुत टेस्टी है, बहुत पसंद आता है आपको? मतलब बहुत ज़्यादा, हम डेली मंगा के भी इनका खाना बोर नहीं होते। नहीं होता है कई बार ना कि बंदा एक ही जगह पर हर बार खा रहा होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनका जो कुकिंग का स्टाइल है ना वो होम स्टाइल है ना, इस वजह से भी है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम भी टेस्ट करेंगे, क्योंकि इतने लोगों से रिव्यू लिया ना तो अब मुझे भी भूख लग गई है, तो हम भी टेस्ट करके देखते हैं कैसा है खाना। सर ये देखिए, हम जो इसमें जो राजमा चावल भी देते हैं, जो हमने 50 रुपीज़ का रेट रखा हुआ है, राजमा राइस, कड़ी राइस, छोले राइस, उसको भी हम इस ट्रे में देते हैं, और कोई भी सिल्वर फॉइल में नहीं देते, जो बहुत ही हाइजेनिक है। लोग जोन से हैं वो आपका फॉइल उस पर बॉक्स में पैक करते हैं, जिससे वो ना तो घर पे जा पाता है प्रॉपरली और ना ही खा पाता है सही तरीके से। क्वालिटी वर्क यूज़ होता है सारा, प्याज चटनी और ये हरी मिर्च जो हमारे अपने मसालों से तैयार होती है, और इस किचन में सारा लाइव चलता है। चपाती आप देख रहे हैं, आटे की, प्योर आटे की बनती है, कोई इसमें मैदा मिक्स नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, चक्की का हमारे अपने आपका गेहूं का पिसवाया हुआ आटा होता है। चलिए दोस्तों ये लग गई हमारी थाली, और साथ ही साथ हमने चिकन लगवाया था, तो ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ थाली क्या बढ़िया तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है।
ये देखिए यहाँ पे थाली के अंदर ना तीन वेजिटेबल्स है, बल्कि ये देखिए ये है छोले, ठीक है मैं आपको ना चला के दिखाता हूँ हल्का ना, तब असली पता लगेगा भाई। ओए होए ये देख रहे हो छोले, क्या बढ़िया छोले, गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी छोलों की। ये साथ में यहाँ पे है आलू और गोभी की सब्ज़ी है ना। ये भी मेरे को ना अंदर मैंने देखा था ना, पूरे जब रखे हुए थे बर्तन के अंदर भाई, कलर देख के मुझे भूख लग गई थी इसकी तो। ये देखो, और साथ में साथ इनकी जो फेवरेट जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है वो है कढ़ी, कढ़ी और ये कढ़ी के पकौड़े, ये देखो प्याज वाले हैं ये, और तड़के वाली कढ़ी। और साथ के साथ इसमें सर्व की हुई है दोस्तों यहाँ पे है रायता, बूंदी रायता और चावल जो कि जीरा राइस है। ये देखो सैलेड तो है ही है जैसे मैंने आपको दिखाया। और सेकंड आइटम हमने मंगवाई है नॉन वेज में, जो कि है ये चिकन करी, बिल्कुल होम स्टाइल टाइप है दोस्तों। ये आप देख सकते हो ग्रेवी जो है ना, वो कहते हैं जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी सी ग्रेवी देते हैं, वैसी नहीं है, बिल्कुल होम स्टाइल टाइप पतली ग्रेवी है, बिल्कुल अच्छे से बनी हुई। और ये मेरे को ना इलायची का पीस साफ दिख रहा है और ये हमारी लेग पीस तो है ही है, खैर वाओ। और जो कलर है ना वो भी काफ़ी ज़बरदस्त। साथ में इन्होंने हमें सर्व की हुई चपाती जिसमें कि घी लगा हुआ है, देसी घी, ये देख सकते हो, और साथ में और चपाती हैं। तो वेज से शुरुआत करते हैं और नॉन वेज पे ख़त्म करेंगे, है ना। तो आइए इसको टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसा है टेस्ट। मैं ना सबसे पहले छोले टेस्ट करूँगा, एक बार छोले टेस्ट करते हैं। छोले का जो मसाला है ना भाई, ग्रेवी देख के मेरे को बड़ा मन कर रहा है खाने का, तो एक बार छोले टेस्ट करते हैं ऐसे ही और देखते हैं कैसा है। आओ जी। गर्मा गर्म टेस्ट ना काफ़ी यूनिक सा है, अलग सा, हल्के सी खटास है, और ये जो जिंजर के छल्ले हैं ना वो आ रहे हैं मुंह के अंदर, बहुत बढ़िया टेस्ट है। रोटी के साथ खा के देखते हैं कैसा है। मसाले जो यूज़ किए हैं ना दोस्तों वो बिल्कुल परफेक्ट एक मैं कहूँगा, क्योंकि ना इनके मसाले ना ओवर नहीं कर रहे, जैसे मसाले कहीं खाते हैं ना छोले वगैरह खाते हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ लगते हैं, मगर ये बिल्कुल माइल्ड से मसाले यूज़ किए हुए हैं, और वो कलर से ही पता लग जाता है दोस्तों, अगर ज़्यादा तेज़ किया तो ना बिल्कुल लाल सी ग्रेवी बनती है, और ये बिल्कुल परफेक्ट। रोटी के साथ बहुत अच्छा। और ये हमारा लच्छा पराठा है, आप देख सकते हो ये आटे का है, आटा देसी घी, आटा और देसी घी, क्या बात है, गर्मा गर्म लच्छा पराठा। और कलर से ही दोस्तों डिफरेंस पता लग रहा होगा, क्योंकि ये आटे का ना अगर मैदे का होता ना तो वाइट होता बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब एक बाइट हम आलू गोभी की सब्ज़ी लेते हैं, ये देखो आलू गोभी की सब्ज़ी, वाओ इसको खा के देखते हैं। बहुत बढ़िया लाजवाब, बहुत अच्छी सब्ज़ी है, अच्छे से पकी हुई है, और जो मसाले का टेस्ट आ रहा है दोस्तों वही सारी गेम वही बना रहा है, हल्के से मसाले हैं, ओवर मसाले नहीं है। ये आगे हमारी कढ़ी बिल्कुल तड़के वाली, ये देखो इसको खा के देखते हैं ना, पकौड़े ना कढ़ी क्या, पकौड़ा और कढ़ी। प्याज की बाइट, प्याज का हल्का सा क्रंचीनेस और खट्टी ग्रेवी, बहुत बढ़िया है। जो कढ़ी की जो यूएसपी होते हैं ना वो दोस्तों, कढ़ी में जो दही डाल के बनाया जाता है ना वही एक खट्टापन होना चाहिए इसके अंदर, और काफ़ी बढ़िया खट्टापन है इसके अंदर, काफ़ी बढ़िया ग्रेवी है। तो एक बाइट में ना, वैसे तो कढ़ी को ना चावल के साथ खाना चाहिए, पर एक बार रोटी के साथ ले ही लेता हूँ, है ना। लाजवाब। और ये अब चावल के साथ टेस्ट करते हैं। कढ़ी के साथ दोस्तों चावल खाने का भी एक अपना मज़ा है, क्योंकि सारे जो टेस्ट आता है ना वो खटास का आता है, जो ग्रेवी बनती है ना कढ़ी की दही में उसका। और ये जो वेजिटेबल ये जो मैंने वेज थाली खाई है ना, काफ़ी बढ़िया लगी मुझे, क्यों, क्योंकि इसमें ना मसाले बहुत कम यूज़ किए हैं, होम स्टाइल में बना हुआ है, क्योंकि घर की याद आ जाती है भैया जब हम ऐसी चीज़ खाते हैं ना, तो साफ डिफरेंस पता लग जाता है रेस्टोरेंट में खाना और घर का खाने में ना, मसालों का जो फ़र्क पड़ता है वो आराम से पता लग जाता है। तो बहुत बढ़िया वेज थाली थी हमारी, इसको मैं साइड करके ना अब आपको थोड़ा सा नॉन वेज थाली भी दिखाता हूँ। ये तो बहुत बढ़िया, ये हम पूरा फिनिश करेंगे, अभी साइड में हमने ऐसे ही रखा हुआ है तो एक बार मैं ये आपको चिकन करी दिखाता हूँ, आओ चिकन करी खाएंगे दोस्तों लच्छे पराठे के साथ, और मज़ा आएगा।
ये देखो कुरकुरी करारी हमारे जो लच्छे पराठे हैं ना वो बन के तैयार हैं, और जो चिकन था वो ये रहा, देख रहे हो ग्रेवी बहुत बढ़िया अच्छे से मिक्स की हुई ग्रेवी है, ऐसा नहीं है कि प्याज अलग अलग से दिख रहे हैं, बिल्कुल ग्राइंड किया हुआ है और बहुत बढ़िया ग्रेवी तैयार की हुई है। तो एक बार ना इस पराठे को तोड़ते हैं, और गर्मा गर्म पराठा है, लच्छा पराठा। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, इसका कलर मैम आटे से बनाया नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ना बिल्कुल देसी घी में बिल्कुल अच्छे से, देखो ये आप देख सकते हो इसके अंदर ना देसी घी किस तरीके से लगा हुआ है, तो खाने का एक अलग मज़ा आएगा, और नॉनवेज खाने का तो वैसे ही मज़ा आ जाएगा देसी घी के साथ और पराठे का, है ना। तो ये हमने ले ली बाइट, ये डिप करता हूँ मैं इसके अंदर, ओए होए गर्मा गर्म, और एक बार लेके देखते हैं कैसा है। लाजवाब चिकन करी, सही में दोस्तों पराठे के साथ खाने का ना अलग ही फ्लेवर आ रहा है। मस्ट ट्राई है दोस्तों, बहुत बढ़िया है। जो जैसे घर में हमारे बनता है ना चिकन करी, उसमें भी कई बार हम देखते हैं कि गाढ़ी ग्रेवी बनाना, क्योंकि हम प्रेफर करते हैं ना, क्योंकि हर बार ही हम बाहर का खाते हैं, मगर ये बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी के साथ बना है। और जो मसाले हैं ना वो भी बड़े फ्लेवरफुल से हैं, हल्के से मसाले। और ये देखिए चिकन कितने अच्छी तरीके से इसमें कट मारे हुए हैं, ताकि जो जूसेस है ना अंदर तक जाए, और चिकन भी जो हमारा है वो बिल्कुल सॉफ्ट पका हुआ है। ये देखो देख रहे हो चिकन किस तरीके से टूट रहा है, बिल्कुल सॉफ्टली कुक्ड है। एक बार चिकन भी टेस्ट करते हैं। मुझे ना ग्रेवी इसकी बहुत पसंद आ रही है, बिल्कुल पतली ग्रेवी है और खाने के हिसाब से बहुत लाजवाब। एक और बाइट ले लेता हूँ दोस्तों, भाई अब इतना टेस्टी खाने को मिलेगा तो कौन बाइट नहीं लेगा। और लोग जैसे बोल रहे थे ना कि हम रेगुलर लेके जाते हैं, वो अब मुझे पता लग गया क्यों लेके जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल होम स्टाइल टाइप है, घर का ही याद दिलाती है घर के खाने की। जितने भी यहाँ पीजी में या हमारे दोस्त रह रहे हैं जॉब कर रहे हैं, वो यहाँ से रेगुलर आते हैं और लेके खाते हैं। वाह, तो लो जी दोस्तों खाना तो हमारा हो चुका है फिनिश, बड़ा मज़ा आया, वेज नॉन वेज दोनों ही आइटम बड़ी ज़बरदस्त थी। और मुझे सबसे खास बात क्या लगी ना, ये बिल्कुल हैवी नहीं हो रहे खा के, जैसे हम रेस्टोरेंट वगैरह में मटन खा लें या चिकन खा लें या वेज भी सब्ज़ी भी खा लें ना, तो ऐसा लगता है मसालों की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाता है, मगर ये बिल्कुल जो होता है ना, एक कहते हैं कि होम स्टाइल बनाया हुआ है, और सही में होम स्टाइल है, मसाले बहुत ही कम यूज़ किए हुए हैं और प्रॉपर यूज़ किए हुए हैं। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया, आप भी यहाँ पे आइए खाइए इसको। हम कहाँ आए थे, गब्बर पे, जो कि VIP रोड पे सिचुएटेड है। एड्रेस वगैरह सब कुछ डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप भी आइए और भैया और दी से ज़रूर मिलके जाइएगा, बड़े जॉली किस्म के लोग हैं दोनों, है ना। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नए स्वाद के साथ नई वीडियो के साथ दोबारा मिलता हूँ, अभी इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय।